नमस्कार, हिंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं लेके आई हूँ दाल तीन तरीके का। इससे मैं आज यहाँ पे बनाऊंगी दाल मखनी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप ज़रूर देखिएगा इस तरीके से बना करके। आप केवल मसूर की दाल से भी बना सकते हैं, तीनों दाल मिक्स करके बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैं यहाँ कढ़ाई में जो भून रही हूँ वो है मूँग और उड़द की दाल 100-100 ग्राम। दोनों को मैं यहाँ पर रोस्ट करूँगी। अच्छा रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा और खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा, इतना रोस्ट करना है। और नीचे जो बाउल में दिखाई हूँ मैं, वो है मसूर की दाल छिलके वाली। आप सब तीनों दाल भी छिलके वाली ले सकते हैं। मैं वो दो दाल धुली हुई ली हूँ और एक मसूर की जो है ये छिलके वाली ली हूँ। तो इसको मैं 2-3 पानी से धो के 2-3 घंटे के लिए भिंगो दी थी, तो ये भींग के फूल गया है थोड़ा। और ये जो मैं भून के दाल नीचे रखी कढ़ाई में, उसको 2 पानी से अच्छे से धो के फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी। दाल को हमेशा धो के ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पाउडर वगैरह, दबा वगैरह कुछ मिक्स होता है। और अच्छे से यहाँ पे मैं इसमें डाल दी थोड़ा पानी डाल के। पानी अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं दाल में। और यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा जो वही है धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा गरम मसाला और नमक स्वाद के हिसाब, और 4-5 सीटी मैं लगा दी हूँ। अच्छा गल गया है, तो दाल मखनी बन रहा है ये। तो अच्छा मक्खन की तरह बिल्कुल गला हुआ दाल होना चाहिए, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। दाल बिल्कुल भी साबुत नहीं होना चाहिए इसमें, तब अच्छा आता है। तो इस तरह से आप गला लीजिएगा उसको। और उसके बाद यहाँ मैं कढ़ाई ले आई हूँ, ये देख सकते हैं। और इधर पीस के रखी हूँ मैं प्याज और टमाटर, 2 प्याज और 4 टमाटर मैं यहाँ पे पीस के रखी हूँ। और ये कढ़ाई में मैं यहाँ डाल दी हूँ थोड़ा सा तेल। कोई भी तेल आप जो खाते होंगे ले सकते हैं, सरसों तेल नहीं डालिएगा, रिफाइंड तेल कोई या घी आप डाल सकते हैं। उसमें मैं तड़का दे दी जीरा और यहाँ पे एक लाल मिर्ची और हींग थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। ये देखिए बस इतना ही तड़का के लिए काफ़ी है ये। और उसके बाद इसको मैं ये पेस्ट जो मैं तैयार करके रखी हूँ, धनिया जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट, वही 2 चम्मच मैं इसमें डाल दी। इसको थोड़ा भूनेंगे। और ये दाल मखनी है तो मक्खन इसमें ज़रूर डालना है, मक्खन से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो केवल मक्खन डाल के भी इसको आप बना सकते हैं, लेकिन मक्खन डालने से मसाला अच्छा भून नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा पहले तेल या घी आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2-3 चम्मच मक्खन मैं डाल दी हूँ। मसाला जो है ना मक्खन के साथ फ्राई होगा तो बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होगा, आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। और यहाँ देखिए मसाला वो भून गया है। उसके बाद मैं इसमें प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर दी। प्याज को भी अच्छा ढक के 2-3 बार इसको देखेंगे और अच्छा भून लेंगे। यहाँ पर देखिए आप ढक दिए हैं और फिर यहाँ देखिए अब ये भून के तैयार हो गया है प्याज। ऊपर तेल आपको दिख रहा होगा, बस ये तैयार हो गया है। अब इसमें टमाटर और थोड़ा सा ये मसाला जो है पाउडर मसाला जो आप बेसिक है वो सब ऐड करेंगे। तो पहले पाउडर मसाला ऐड कर दे रहे हैं इसमें। तो ये देखिए एक एक चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला वगैरह आप ले सकते हैं। तो भाई एक एक चम्मच मैं ले ली हूँ धनिया जीरा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। और बस अब ये भून गया है मसाला, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक ज़रूर डालेंगे। और टमाटर को भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे भून के तैयार करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे टमाटर में ऊपर में आ गया है ना तेल वगैरह, तो बस ये अब तैयार होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा और ये पकेगा, अभी थोड़ी देर और इसको ढकेंगे। अब देखिएगा कितना अच्छे से भूनना है इसको, ये भूनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ देखिए आपका ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ आ गया है सब तेल घी। बिल्कुल लो फ्लेम में मसाले को इस टाइम ज़रूर पकाइएगा, तब इसमें टेस्ट आएगा और से वो पक गया है। उसके बाद ये देखिए दाल जो तैयार है, वो दाल इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें पानी जो है ना डबल क्वांटिटी में अच्छा ऊपर तक भर के देना है पानी, और इसको कराहना है अच्छे से। अब ढक्कन नहीं लगाना है इसको, कम से कम 30-40 मिनट तक इसको अच्छा पकने देना है, धीरे धीरे बिल्कुल लो फ्लेम में अपना ये धीरे धीरे उबलते रहेगा। पहले एक उबाल आने दीजिए, उसके बाद इसको लो फ्लेम में पकने देना है। इस टाइम यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से आप देखिए, टमाटर यदि ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। और ये ले आई हूँ मैं देखिए मसाला, ये जो है मीट या मटन मसाला जो भी होता है आपका अच्छा टेस्ट वाला, जो मसाला आप जो खाते होंगे वो डाल सकते हैं। ये मीट मसाला का अच्छा टेस्ट इसमें आता है, तो मैं यही मसाला इसमें 2-3 चम्मच डाल दी और थोड़ा मिर्ची पाउडर और पानी ऊपर तक इसमें थोड़ा सा और भर देंगे अभी। तो ऊपर तक पानी होगा और यहाँ उबाल आ जाएगा, उसके बाद लो करके तब इसको पका लिए हैं। और यहाँ देखिए धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप। तो बस अब ये पकने ही वाला है, तो थोड़ा सा इसमें जो मक्खन है वो और ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ा और पकाएंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में ये पकते गया और ये मक्खन में से थोड़ा और मक्खन अब इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और इसके साथ ये थोड़ी देर और पकेगा अभी,
तो इसको पकाना बहुत इम्पोर्टेंट है, 30-40 मिनट आप ज़रूर पकाइएगा, तभी आपको होटल वगैरह में जो आप खाए होंगे दाल मखनी उसका टेस्ट आएगा। इसी तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनता है। आप पसंद आ रही है रेसिपी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा रेसिपी को, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह की और भी नई नई रेसिपी लेकर के मैं आती रहूँगी। और ये देखिए यहाँ पर बस ये अब तैयार हो गया है, तो ऊपर से यहाँ पर कसूरी मेथी जो है उसको अच्छे से हाथ से रब करके इसमें जो ऐड कर दिए हैं, बस अब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी आपके पास है तो ज़रूर डालिए, इसका बहुत ही स्वादिष्ट इसमें टेस्ट आएगा। और ये देखिए यहाँ पे अपने टेस्ट कर लीजिए, आप कुछ नमक वगैरह और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और ऐड कर दी हूँ, है ना, और भी चटपटा टेस्ट आने के लिए। तो ये दाल मखनी यदि आपके पास तैयार हो गया है तो इसमें कोई भी सब्जी और कोई भी और नहीं चाहिए कुछ इसके साथ खाने के लिए, दाल पूरी ये पराठा या जो राइस वगैरह है उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऊपर से मक्खन इस तरह से आप डाल दीजिए, तो बस यहाँ पे बिल्कुल होटल स्टाइल में ये दाल मखनी तैयार हो गया है। तो आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मैं इसका थाली भी लगाई थी लेकिन वो डिलीट हो गया है, तो मैं इसको बाउल में निकाल करके आपको दिखाती हूँ। अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ, ऊपर से आप और मक्खन वगैरह डाल के इसको इंजॉय कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मक्खन मेरा फ्रिज में रह गया था तो थोड़ा जम गया है, तो आप जो है इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके मक्खन को थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, फेंट सकते हैं मक्खन में थोड़ा सा मिक्स करके दूध, यदि ज़्यादा गाढ़ा मक्खन है तो, और ये गरम गरम है तो थोड़ा आप उसमें डालिए तो अपने आप ही पिघल जाता है। और यहाँ देखिए ये तैयार हो चुका है ना, बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें बाउल में आपको निकाल के यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये देखिए है ना मक्खन की तरह बिल्कुल दाल मखनी बहुत ही स्वादिष्ट यम्मी बन के तैयार हुआ ना। तो ये देखिए ऊपर से ये मक्खन थोड़ा मेरा जम गया है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल के आपको दिखा रही हूँ ये ऐसे। अब इसको मिक्स करके आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट। एक और बाउल में मैं निकाल दे रही हूँ, थाली भी लगाई थी मैं लेकिन वो डिलीट हो गया है, तो मैं इसके साथ जीरा राइस बनाई थी। जीरा राइस के साथ बहुत ही यम्मी लगता है, पूरी पराठे के साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे खाना चाहते हैं इसको। तो फिर बनाइए और बने रहिए मेरे चैनल पर इस तरह की और भी नई नई रेसिपी देखने के लिए, और कुछ ब्लॉग भी मैं लेकर के आती रहूँगी, तो जल्द ही हाजिर होंगी फिर और नई रेसिपी और ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ।